मैं सबदेव प्रसाद शिक्षक, आइए आप सबों का एसपी मोटिवेशनल पॉइंट में स्वागत है। सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें ताकि मेरे द्वारा लिखी गई शैक्षणिक नैतिक मोटिवेशनल कविता पहुंचता रहे, साथ ही साथ 12वीं की हिंदी भी आप तक पहुंचता रहे। आइए मैं आपसे समय की महत्ता पर एक वाक्य में कहना चाहूंगा कि समय अर्थात टाइम जीवन का वह हीरा है जिसमें वास्तविक हीरे से भी हजार गुना ज्यादा चमक होती है। वक्त कभी इंतजार न करता, अरे हर पल बिकते जाता है। वक्त कभी इंतजार न करता, हर पल बिकते जाता है। वक्त की बात समझ न पाता, जीवन भर पछताता है, जीवन भर पछताता है। तो आइए आज मुझे पढ़ रहे हैं गद्य भाग्य का संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक संपादक प्रतिपादक कहा जाए हमारे जयप्रकाश नारायण है। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। यह कहानी वैसे पल का है, वैसे काल का है, वैसे समय का है जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, अर्थात यूं कहा जाए देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही थी। सरकार बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान में सफल नहीं हो पा रही थी। चारों तरफ लूट ही लूट था, चारों तरफ घूस की प्रथा थी और शिक्षण संस्थान भी भ्रष्ट हो चुके थे और साथ ही साथ नौकरशाही व्यवस्था भी हो गई थी, जिसकी वजह से भारत की जनता अपने को काफी असहाय निसहाय महसूस कर रही थी और जनता में बड़ी बेचैनी थी, क्योंकि जिन लोगों ने आजादी को बड़ी करीब से देखा था, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाइयां लड़ी थी, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों की कुर्बानियां दी थी, जिन लोगों ने तन मन धन की भी कुर्बानियां दी थी, वे सभी लोग आज यह देख रहे थे कि आज भारत में आजादी के पहले जो भारत की जो बुरी स्थिति थी आज भी वैसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए पूरे भारत के लोग काफी दुखी थे और जो विद्वान थे, जो सुचिंतक थे, वे सभी लोग इस देश को इस कांग्रेसी सरकार से मुक्त करना चाहती थी, अर्थात भारत के नौजवानों को रोजगार देने के लिए काफी बेचैन थी। लेकिन जो जनता बेचैन थी, वे जनता या यो कहा जाए पूरे भारत के जो विद्वान थे, जो देश के सच्चे प्रेमी थे, जिसको वतन से लगाव था, वे लोग अब कांग्रेस की सरकार से छटपटाने लगे थे और वह यही चाह रहे थे कि भारत में एक ऐसी क्रांति लाई जाए, भारत में एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे कांग्रेस शासन व्यवस्था की धराशायी हो जाए। ठीक ऐसे ही काल में ये कहावत है कि जब कदाचार भ्रष्टाचार के समक्ष सभ्यता और संस्कृति की जब दीप शिखा टिमटिमाने लगती है, तो ठीक वैसी परिस्थितियों में किसी न किसी महापुरुष का जन्म जरूर होता है। ठीक ऐसी परिस्थितियों में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आगमन तो था ही, इन्होंने नेतृत्व करना स्वीकार किया और जब भारत के जो बड़े बड़े विद्वान थे वे सभी पटना के गांधी मैदान में, जिसमें खासकर बिहार के छात्र छात्रा भी काफी संख्या में एकत्रित थे, उन सभी ने 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व को स्वीकार करने का काम किया। लेकिन उसमें जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं आपकी मैं नेतृत्व करूंगा लेकिन मेरा कुछ शर्त होगा। उन्हें तमाम छात्र छात्राओं को यह कहा कि मैं आपकी बात सुनूंगा, आपकी समस्याओं को मैं सुनूंगा, लेकिन अंतिम निर्णय मेरा होगा। 5 जून 1974 को जब पटना के गांधी मैदान में जितने लोग उपस्थित थे
सभी लोगों ने हाँ भर दी और उस दिन से लोकनायक जयप्रकाश ने भारत में आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार किया और यह आंदोलन बढ़ता गया और यह और इन्हीं के नेतृत्व में एक जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी जिसका चुनाव चिन्ह रखा गया हल्दर था और 77 के चुनाव में जब हुआ तो उसमें जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और उस समय जब जीत हुई उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। जैसे एक शब्द पूछा जाता है कहीं कहीं जीके में कि भारत का वह कौन व्यक्ति है जो डीएम भी बना, सीएम भी बना और पीएम भी बना, तो वैसे व्यक्ति में हम मोरारजी देसाई का नाम लेते हैं। तो आपके समक्ष कुछ प्रश्न है जिसका मैं देखे करके उत्तर बतलाऊंगा, लेकिन आपसे पूछेगा कि लोकनायक किसे कहा जाता है, तो मुझे याद रखना होगा लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण। पूछेगा जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, तो हम बताएंगे लोकनायक। क्या बताएंगे, उनका जन्म कहा हुआ था, तो उन 11 अक्टूबर 1902 को कहा, सारण जिला में। आपसे पूछेगा, आपसे प्रश्न है पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, लिखेंगे संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया। कब दिया, कब दिया, 5 जून 1974 को। और लंबी लड़ाई हुई, कांग्रेस की हार हुई, तो सत्ता में कौन है, जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी महानता रही कि उन्होंने पद को स्वीकारने का काम नहीं किया। इन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी एक ही भावना होती है, क्षमा हूं, इनकी यह भावना थी, अंतरात्मा थी, अंतरात्मा की आवाज थी, क्षमा हूं मैं जलना मेरी जिंदगी है, क्षमा हूं मैं जलना मेरी जिंदगी है, जल कर भी मैं खुश हूं यदि वो शनि है, यदि वो शनि। इन्होंने किसी पद को स्वीकारने का काम नहीं किया। और आपसे पूछेगा कि आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी के क्या विचार थे। जेपी कहते हैं, देखिए इनके द्वारा जो पार्टी चलाई गई उसको जनता पार्टी को भी जेपी ही कहते हैं और जयप्रकाश नारायण को भी हम लोग जेपी ही कहते हैं। तो आपसे पूछेगा आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जेपी के यानी जयप्रकाश के क्या विचार थे। तो इसमें उनका विचार यह था कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि चुनाव जीत जाता है, यदि कोई प्रतिनिधि चुनाव जीतता है, यदि वह विकास का काम नहीं करता है तो उसके विरुद्ध में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाए, और अर्थात यदि वह प्रतिनिधि काम नहीं करता है उसे पद से हटाया जाए। साथ ही साथ इनका एक भी विचार था कि चुनाव काफी महंगा हो गया है, जिन लोगों ने अपनी लड़ाई आजादी की लड़ाई लड़ी, स्वाभाविक है कि भारत गरीबों का देश है, गांवों का देश है, तो स्वाभाविक है कि ज्यादा गरीब लोग ही थे, लेकिन आज क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है, सभी पूंजीपति चुनाव लड़ रहा था। इनका इनकी महानता थी, इनकी अपनी सोच थी कि गरीब चुनाव को सस्ता बनाया जाए ताकि जिन लोगों ने कुर्बानियां देश के लिए दी ना वे लोग भी चुनाव में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर सके। दूसरा था बापू, और दूसरा है बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने किया। तब जब उन्होंने 5 जून 1974 को जो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया पटना के गांधी मैदान में, उन्होंने उस भाषण में संभाषण का उसमें बापू की भी का जिक्र किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र किया। उन्होंने बापू के बारे में कहा कि बापू जब कुछ बोलते गलत बोलते थे तो मैं उनका विरोध करता था, लेकिन बापू की महानता थी कि वे नाराज नहीं होते थे, बाद में मुझे समझाने का काम करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी बारे में बोला, बहुत सम्मानित आदमी थे और लेकिन मैं जब उनसे गलती होती थी तो मैं उनकी आलोचना करता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह खासियत थी कि वह आलोचना से कभी नाराज नहीं होते थे। फिर आज तक पूछेगा भ्रष्टाचार की जड़ें क्या है, भ्रष्टाचार की जड़ें क्यों विरोध किया। इनका मानना था भ्रष्टाचार का जड़ है घुसखोरी, भ्रष्टाचार का जड़ है रिश्वत, भ्रष्टाचार का क्या है जड़ है नौकरशाही की महत्ता बढ़ जाना। नौकरशाही का अर्थ कहता है
जो नौकरी में रहने वाले जो लोग हैं वह यह समझते हैं कि मैं ही शासक हूं। जो नौकरी में करने वाले लोग अपने को ही शासक मानने लगते हैं तो उसको ऐसी व्यवस्था को नौकरशाही व्यवस्था। तो रिश्वत बढ़ा, नौकरशाही व्यवस्था हो गई, बेरोजगारों की फौज बढ़ गई, साथ साथ शिक्षण संस्थान भी भ्रष्ट होने लगे थे, शरीर पतित होने लगे थे। इसलिए भ्रष्टाचार की जड़ें चार, भ्रष्टाचार की जड़ें बार बता में एक ना कि शिक्षण संस्थान का भ्रष्ट होना, रिश्वत का बढ़ जाना, और दो बात चार बात रखते, रिश्वत का बढ़ जाना, शिक्षण संस्थान का भ्रष्ट हो जाना, नौकरशाही का बढ़ जाना, जिसकी वजह से तीन चार बात हम लिखना है। एक बात रह रहा है शिक्षण संस्थान का भ्रष्ट हो जाना, रिश्वत बढ़ जाना और नौकरशाही व्यवस्था स्थापित हो जाना। फिर आपसे पूछेगा दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। दल विहीन का अर्थ है वैसी पार्टी, वैसा दल जिसमें कोई पार्टी नहीं हो। तो साम्यवाद का मानना था, लेनिन का मानना था, मार्क्सवाद इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी का जो संस्थापक माना था मार्क्सवाद, वो तक मानना था कि जब जिस देश में जब साम्यवाद आ जाएगा तो धीरे धीरे वो उस देश में पार्टियां समाप्त हो जाएगी और धीरे धीरे छोटे छोटे जो स्टेट हैं वह सभी समाप्त हो जाएंगे और सिर्फ एक देश रहेगा। दल विहीन माने मार्क्सवाद का यह मानना था कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसी देश में हो जाएगी तो वहां राज्य नहीं रहेगा, सिर्फ एक देश रहेगा। लेकिन जब गांधी जी के रग रग में देश प्रेम की भावना थी कि उन्होंने देश को में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए लड़ाई लड़ी। देखा लोकतंत्र का सीधा अर्थ होता है वैसी शासन व्यवस्था जिसमें आम जनता की महत्ता हो, आम जनता की भागीदारी हो। तो ये तो प्रजातंत्र के समर्थक थे, इसलिए इन्होंने साम्यवाद की बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर आपसे पूछेगा दिनकर जी का निधन कहां हुआ। तो दिनकर जी का जिस दिन निधन हुआ या जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन दिनकर जी जयप्रकाश नारायण जी से मिले थे, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी के सबसे बहुत दोस्त कहा जाए, करीबी कहा जाए रामनाथ गोयन का। अगर रामनाथ गोयन दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से मिलने के बाद रामनाथ गोयन का के यहां रात में रुके, लेकिन वही इनका हृदय गति बढ़ी और वही इनकी मौत हो गई। तो पूछा कि दिनकर जी का निधन कहां किसके हुआ, रामनाथ गोयनका के यहां हुआ और हार्ट अटैक हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद व्याख्या है व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, हमेशा ये लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति से ली गई है, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मुझे कुछ लोग चाहते कि इंदिरा गांधी में और इनमें तालमेल हो जाए, तो वो कहते थे कि नहीं मुझे किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, मुझे उसे गलत कार्यों से झगड़ा है, गलत नीतियों से झगड़ा है, गलत सिद्धांतों से झगड़ा है, क्योंकि गलत कोई करेगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, क्योंकि इस देश को सींचने में हम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, देश को सींचने में भारत लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी है, न जाने कितने लोग न्यूक्लियट बन गए तब मेरा वतन आजाद हुआ। फिर आगे पूछेगा प्रजातंत्र का दुश्मन कौन है। तो इन्होंने कहा इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित संपूर्ण क्रांति से ली गई है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश के दुश्मन वो है जो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करते, देश का दुश्मन वो है जो जनता के कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, देश का दुश्मन वो है जो जनता पर लाठी चलाते हैं, देश का दुश्मन वे है जो जनता पर गोली बरसाने का काम करते हैं। जय हिंद जय भारत।